वादी कश्मीर की बात करते हैं। सितंबर के महीने में कुछ मौलानाओं को जो है वो अरेस्ट किया गया था और उनमें से एक नाम जो है वो फेमस मौलाना सज्जन बरकती का भी है और वादी कश्मीर में जो है इसकी जमकर मुखालफत हुई। ये भी कहा गया कि उन्हें जो है अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, हालांकि ये पुलिस की कार्रवाई थी और ये मैटर था जो वो पुलिस का था। लेकिन अब उन्हें बता दें कि उनकी फैमिली ऐसा क्लेम कर रही है कि उन्हें जो है वो रिहा कर दिया है और उन्हें रिहा क्यों किया गया है इसके बारे में भी आपको जो है वो जरूर बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि सितंबर के महीने में सिर्फ उन्हें ही नहीं और भी मौलानाओं को जो है अरेस्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया था कि वो इस तरह के बयान देते हैं जो कि युवाओं को भड़काते हैं, जो कि देश हित के लिए नहीं है, इसीलिए उन्हें जो है अंदर अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में वादी कश्मीर के कुछ लीडर्स की बात कर लेते हैं, उनके काफी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए कि ये जो है वो गलत है। सज्जन बरकती को जो है वो अब बात करते हैं, मौलाना सज्जन बरकती को एक बार जो है अरेस्ट नहीं किया गया। इससे पहले जहाँ पर आपको बुरहान वानी की जो है यहाँ पर हत्या की गई थी उसके बाद में भी जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था और काफी जहाँ पर 2020 की बात करते हैं तब उन्हें रिहा किया गया, बहुत लंबे वक्त के लिए भी जो है वो अंदर रहे। लेकिन अभी जो खबर ये आई कि उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं थी, उन्हें जो है वो चेस्ट पेन हो रहा था, उनकी फैमिली ने ये भी क्लेम किया है कि उन्हें जो है वो हार्ट अटैक जो है हुआ, इसीलिए उनके बाद जो है उसे रिलीज किया गया है। तो और पूरी खबर जो है आपको बताते हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पर रिलीज किया गया है, इसके अलावा किसी को भी जो है नहीं छोड़ा गया। तो यहाँ पर जो है उन्हें जब अरेस्ट किया गया था कम से कम जो है 2 महीने उन्हें हो चुके हैं, उसके बाद जो है उन्हें रिहा किया गया है। और बता दें आपको पिछले 14 दिनों से जो है वो जैनपोरा पुलिस स्टेशन जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में वहां पर उन्हें जो है वो रखा गया था और अभी उनकी फैमिली ये कह रही है कि उनके जो है वो सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था और हार्ट अटैक जो है उन्हें हुआ है और उसके बाद जो है उन्हें रिलीज किया गया है। हुर्रियत लीडर को जो है इन्हें एक हुर्रियत लीडर भी कहा जाता था और उन्हें जो है एक नाम से जाना जाता था जो नाम जो है वो बहुत पॉपुलर है, आजादी चचा के नाम से इन्हें जो है वो जाना जाता था। इससे पहले जब हमने आपको बताया था उन्हें 17 सितंबर 2022 को जो है वो अरेस्ट किया गया था और उन्हें कुछ देर के लिए जम्मू की कोट भरवाल जेल में रखा गया था। उनके साथ साथ जो साउथ कश्मीर के और भी मौलाना है, मौलाना अब्दुल राशिद दाऊदी और मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी को भी जो है अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी जो है उन्हें नहीं छोड़ा गया है क्योंकि उन पर जो है उन्हें PSA के तहत जो है अंदर यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अंदर कोट भरवाल जेल में रखा गया है। और सज्जन बरकती जी की बात करते हैं, उन्हें इससे पहले भी जो है वो रखा गया था जेल में, लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और जहां तक उनकी बात करते हैं वो शोपियां के रहने वाले हैं और इससे पहले भी उन्हें बहुत बार जो है पुलिस ने अपनी रिमांड में लिया है और सबसे ज्यादा देर के लिए 2016 के बाद बुरहान वानी की जिस तरह से आपने देखा कि हत्या हुई उसके बाद में उन्हें सबसे ज्यादा जो है वहां पर जेल में रखा गया ताकि घाटी का माहौल है वो खराब ना हो और वहां पर पीस जो है वो मेंटेन हो सके। और कम से कम अगर बात करते हैं आज उन्हें रिलीज कर दिया गया है ऐसा जो है उनकी फैमिली क्लेम कर रही है क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। यानी जितने भी मौलानाओं को अभी अंदर रखा गया था उनमें से सिर्फ मौलाना सज्जन बरकती को और जो हुर्रियत लीडर भी है आजादी चचा के नाम से फेमस है सिर्फ उन्हें ही छोड़ा गया है। तो यही एक बड़ी खबर थी हमारे पास जो वादी कश्मीर से जुड़ी हुई थी। इस पर आपकी क्या राय है उसे आप जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान का अल्लाह हाफिज़।